हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीलम मेकओवर। आज हम करने वाले हैं आस्था वेरी गोल्ड फेशियल, एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर आप क्लाइंट का बिफोर लुक देख सकते हैं, और इसके बाद में हमने क्लाइंट को ब्लीच किया है, जो वीडियो मैंने लास्ट शेयर किया है। अगर आपको ब्लीच करना सीखना है घर पर, आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो सबसे पहले हमें करना होता है फेस क्लीन। फेस क्लीन मैंने आस्था वेरी के क्लींजर से ही किया इनका, और उसके बाद में मैंने इनको ब्लीच की, और ब्लीच के बाद के स्टेप्स हम यहाँ पर शेयर करेंगे। ओके, सो क्लींजिंग कैसे करनी है एंड ब्लीच कैसे करनी है, और ब्लीच के बाद का रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्लीच कंप्लीट कर दी थी, एंड उसके बाद में आप रिजल्ट बिफोर आफ्टर का देख सकते हैं। अभी हम करने लगे हैं स्क्रब। सो ये जो स्क्रब है, ये है आस्था वेरी गोल्ड फेशियल किट। जल्दी ही इस फेशियल किट का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो अभी हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है एंड इसका रिजल्ट कैसा है। सो आपने देखा, मैंने स्क्रब लिया और क्लाइंट की स्किन पर आपको स्क्रब अप्लाई कर देना है। जब भी आप स्क्रब करते हैं, स्क्रब हमेशा आपको लाइट हैंड से एप्लीकेशन करनी है, और बिल्कुल लाइटली ही आपको इसकी मसाज करनी है। इवन लाइक आप ना सिर्फ फिंगर टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं मसाज करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए कि इजीली आप मसाज कर पाएँ, इतना आपको पानी लेना है, और उसके साथ में आपको मसाज करनी है। सर्कुलर मोशन में करनी है इस तरह से। यहाँ पर स्क्रब जब हम करते हैं, तो कोई भी मसाज स्टेप्स हमको फॉलो नहीं करने होते हैं, सिर्फ सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से मसाज करनी है। ओके, अभी देखिए हम स्क्रब करते क्यों हैं। हमारी स्किन ना जो डेली पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है, इस कारण से हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। उनको क्लीन करने के लिए और हमारे स्किन पर से डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने से आपकी जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी, और आपकी जो स्किन है वो मसाज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी, मींस की प्रैप हो जाएगी। और जो भी आपके क्लॉग पोर्स होते हैं उनको भी ये क्लीन करता है, और हमारे जो भी ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, उनको रिमूव करता है। और जब हम स्क्रब करते हैं ना, तो हमारी स्किन इतने अच्छे से प्रैप हो जाती है कि जब हम मसाज करते हैं तो वो हमारी स्किन में अच्छे से अंदर तक जाकर हमारे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती है और हमारे स्किन को नरिश करती है। तो स्क्रब करने से बहुत फ़ायदा होता है। तो जो ये आस्था वेरी गोल्ड फेशियल किट है, इसका जो स्क्रब है ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करके और काफ़ी रेडिएंट लुक हमें देता है। जो भी हमारे जमा गंदगी होती है उसको निकालता है, एंड बहुत अच्छे से स्किन को नरिश करके और प्रैप कर देता है मसाज के लिए, जिससे कि हमारी स्किन स्मूथ होती है एंड स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। डेड स्किन पूरी रिमूव हो जाती है और बहुत ही फ्रेश लुक आपको इससे मिलता है। जब भी आप स्क्रब करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्क्रब नहीं करना है, बहुत लाइट हैंड से करना है, एंड कम से कम बस आपको 4 मिनट लास्ट या फिर 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको बहुत देर तक मसाज नहीं करनी है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है 10-10, 15-15 मिनट स्क्रब करते रहते हैं। तो स्क्रब ना आपकी जो स्किन की आउटर लेयर होती है उसको डैमेज कर देता है, इसीलिए बहुत लाइट हैंड से हमें करना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है। अभी देखिए, जब भी आप स्क्रब चूज़ करते हैं, तो जो इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं वो आपको बारीक चूज़ करने हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि जो मोटे दाने होते हैं वो थोड़े हार्श होते हैं, वो हमारी स्किन को घिसते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं, इससे हमारी स्किन कट सकती है। अगर दाना मोटा है तो बहुत लाइट हैंड से आपको स्क्रब करना है। पूरा आपको गर्दन तक का एरिया कवर करना है, और आपको पूरा चेहरा इससे घिसना नहीं है, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, और ठंडे पानी का यूज़ करना है आपको इसको वॉश करने के लिए एंड यूज़ करने के लिए। अभी देखिए, जैसे किसी किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा देर स्क्रब कर सकते हैं, बट जिनका स्किन ड्राई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर स्क्रब ना करें। अभी काफ़ी लोग होते हैं, जैसे यहाँ तो मैं फेशियल कर रही हूँ तो अभी क्रीम मसाज होगी, लेकिन काफ़ी लोग सिर्फ स्क्रब करके और अपने फेस को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, स्क्रब करने के बाद आपको कंपलसरी मॉइस्चराइज़र लगाना है, वरना आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, और उसको अच्छे से स्किन में मॉइस्चर देना है। ओके, स्क्रब करते ही आपको तुरंत से धूप में नहीं जाना है, धूप में निकलने पर आपको टैनिंग
या फिर सनबर्न हो सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बिल्कुल लाइट हैंड से स्क्रब कर रहे हैं और बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मैं यहाँ पर स्क्रब कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रब नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। काफ़ी लोग स्क्रब के समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, वो भी उचित नहीं है। हमें बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में काम करना है जिससे कि हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाए और हमारा जो हम मसाज करेंगे वो क्रीम अच्छे से हमारे फेस के अंदर जाकर हमारे स्किन को हाइड्रेट करे और हमारी स्किन को ग्लो मिले। सो इसीलिए हम स्क्रब करते हैं मेनली, और यही हमारा प्रोसेस होता है। तो जब भी आप स्क्रब करते हैं ना, बहुत ध्यान से आपको स्क्रब करना है। यहाँ पर वीडियो हमने थोड़ा फास्ट किया है इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है, बाकी मैंने बहुत धीरे हाथ यहाँ पर चलाए हैं तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी आप जब भी इसको पोंछेंगे तो आपको एक बाउल में पानी लेना है और उसके बाद में आपको जो भी आपके पास स्पंज है, टिश्यू है, उसकी हेल्प से स्क्रब को अच्छे से क्लीन कर देना है। क्लीन करते समय ध्यान रखना है आपको क्लाइंट की आँखों में या जो भी ओपन एरियाज है वहां पर स्क्रब का दाना नहीं जाना चाहिए, वरना फेस पर या आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में उनको चुभन महसूस हो सकती है। तो जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखिए यहाँ देख सकते हैं मैंने अच्छे से मसाज की है लेकिन क्लाइंट की आइज़ में एक दाना भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्लाइंट उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं मसाज जेल। सो ये जो आस्था बेरी का 24 कैरेट गोल्ड मसाज जेल है ये हमारे स्किन को डीपली नरिश करता है, हमारे स्किन में अंदर तक जाकर हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर देता है और जो भी हमारे टैन होती है उसको रिमूव करता है। ओके सो यहाँ पर हम फेस मसाज जेल यूज़ कर रहे हैं, इसके बॉडी मसाज जेल भी आते हैं। अगर आप बॉडी मसाज में यूज़ करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे स्किन को ना ब्राइट टन करता है। सो अगर आपकी स्किन बहुत डल है, आप ब्राइटनेस चाहते हैं तो आप ये वाला जेल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मसाज क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट है और इसके बहुत ही बेनिफिट हैं। ये देखिए हमारी जो स्किन के ग्लो है उसको रिस्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, जो नेचुरल ग्लो है वो हमको ये प्रोवाइड करवाता है। और देखिए गाइस जो मसाज जेल है ये ना स्पेशली थोड़े हर्ब से 24 कैरेट गोल्डन काफ़ी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे यूज़ किए हुए हैं जो हमारे स्किन को एक बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देते हैं, अच्छे से नरिश करते हैं, ग्लोई लुक हमको मिलता है और हमारे स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है सो आपको मसाज जेल लेना है एंड क्लाइंट की स्किन के रिक्वायरमेंट के अनुसार है ना आपको ये जेल यूज़ करना है एंड आपको प्रॉपरली मसाज स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं और कम से कम आप इसको 5 से 10 मिनट, ठीक है, टाइम के अनुसार देखना है आपको। अगर ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है तो इसके अकॉर्डिंग हम मसाज का टाइम रखते हैं, तो आपको उसके अनुसार यहाँ पर इसको यूज़ करना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, जिससे कि आपकी उंगलियाँ प्रॉपरली मूवमेंट कर सके मसाज के लिए, आपको धीरे धीरे मसाज करनी है। और मसाज के स्टेप्स आप यहाँ पर प्रॉपर फॉलो करेंगे, जैसा आपका अगर क्लाइंट का फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा है, लाफिंग लाइंस बहुत ज़्यादा है या फिर आइज़ के आसपास रिंकल्स है तो आप उसके अनुसार मसाज के स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मसाज कंप्लीट करते हैं एंड आपको 5 to 10 मिनट, ओके, कहीं कहीं पर जैसे अगर स्किन को रिक्वायरमेंट है तो हम 13 to 15 मिनट भी मसाज दे देते हैं। सो वो आपको देखना है कि आपके क्लाइंट की स्किन को कितने रिक्वायरमेंट है। मसाज स्टेप्स प्रॉपरली हमको फॉलो करना है, पिंचिंग, नीडिंग, सेमी सर्कल लिप्स के अराउंड, फुल सर्कल हमारे आइज पर एस बनाते हुए, जो भी हमारे प्रॉपरली स्टेप है वो आपको फॉलो करना है। आईलिड पर जब भी आप मसाज करते हैं आपको रिंग फिंगर से करनी है, पूरे हाथों से कभी भी नहीं करनी है। एस बनाते हुए लिड पर हम अप्लाई करते हैं, ओके, एंड जो भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर हमें प्रेशर जितना रिक्वायरमेंट है उतना हमको करना है एंड नोज पर हमें प्रॉपरली मसाज करनी है, ओके। सो ये स्टेप्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको अपने फेशियल के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो जनरल स्ट्रोक्स के साथ में काम करके फेशियल कंप्लीट कर देते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं करना है क्योंकि
कभी भी ना जनरल स्टॉक के साथ में अगर आप काम करते हैं तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जितना आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है, जो भी मसाज स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं डाउनवर्ड में आपको कभी भी नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, डाउनवर्ड में अगर आप मसाज करते हैं तो आपके जो स्किन है वो लटकने का डर रहता है, रिंकल्स जल्दी आते हैं। और फेशियल लेक तरीके का ट्रीटमेंट है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन को टाइट रखता है, ग्लो देता है, आपका एंटी एजिंग के साइंस को कम करता है, कंट्रोल करता है। सो इसीलिए हमें प्रॉपरली मसाज करनी है। आप जब भी मसाज लेते हैं प्रोफेशनल से ही लें, काफ़ी लोग घर पर मसाज कर लेते हैं बट वो सही नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली ही काम करना होगा। सो यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है जिससे कि हम थोड़ा सा जल्दी कर पाएँ। एंड यहाँ पर गोल्ड फेशियल जेल के साथ में मैंने मसाज की ये वाला मोमेंट में शूट नहीं कर पाई हूँ। सो अभी हमने क्रीम अप्लाई की एंड थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम यहाँ पर प्रॉपर मसाज करेंगे। यहाँ भी हमें मसाज स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना है। तो जो ये गोल्ड मसाज क्रीम है ये देखिए, यहाँ पर क्लाइंट का स्किन टोन फेयर है, आप देख सकते हैं। कभी भी जिनका डार्क स्किन टोन हो वहाँ पर आप गोल्ड फेशियल नहीं देंगे, क्योंकि अगर गोल्ड फेशियल आप डार्क स्किन टोन पर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं जाएगा। अगर क्लाइंट का स्किन टोन डार्क है तो आप वहाँ पर डायमंड फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं। इस जो आस्था वेरी फेशियल किट है इसमें डायमंड किट्स भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं या फिर आप अदर और कोई ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आप पपाया फेशियल दे सकते हैं, वो हमारी स्किन को लाइटन अप करता है, स्किन टोन लिफ्ट करता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम मसाज दे रहे हैं। सो जो ये गोल्ड फेशियल मसाज है ये ना हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ओके। एंड देखिए जो हमारी ये मसाज क्रीम होती है ये हमारी स्किन में, अभी देखिए आपने देखा हमने स्क्रब किया, स्क्रब के बाद में हमने जेल एप्लीकेशन कर दी एंड जेल एप्लीकेशन के बाद में हम यहाँ पर क्रीम मसाज कर रहे हैं। तो हमारी स्किन ना अभी इतने अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है कि हमारे स्किन पर अब हम जो भी क्रीम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो अंदर तक जाएगी और अपना काम करेगी। अभी देखिए जो एक क्रीम है इसमें ना नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे स्किन को एक ना बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से एक्सफोलिएट करेंगे। और इसमें ना जो एक मजबूत फर्मिंग है एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे स्किन के जो एजिंग के साइन है उसको कंट्रोल करेंगे, और जो हमारे काले धब्बे हैं या फिर स्कार्स हैं हमारे उसको ये कम करेंगे। और जो हमारा नेचुरल टोन है, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा ना सन टैन के कारण या फिर हमारे डेड सेल्स हो जाते हैं उनके कारण से हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा डलनेस दिखती है, पेल दिखती है हमारी स्किन एंड हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हमारा टोन है वो डार्केस्ट साइड चला जाता है। तो ये क्रीम आपके टोन को बाहर निकालेगी और आपका टोन एकदम प्रॉपर दिखेगा, आपका जो स्किन टोन है उसको लिफ्ट करेगी, ओके। सो जो एक गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड क्रीम है ये बहुत अच्छी है और हमारे स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करती है एंड हाइड्रेट करती है। अभी देखिए इसको ना आपको प्रॉपरली मसाज करनी है, कम से कम आप 15 मिनट इसकी मसाज दे सकते हैं और अच्छे से आपको मसाज देनी है। हमने यहाँ पर पूरा शूट नहीं किया है क्योंकि मसाज आपको देनी है तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स इसके यहाँ पर शूट किए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया है। आपको कम से कम 15 मिनट मसाज देनी है और उसके बाद में आपको पैक अप्लाई करना है। सो अभी हम मसाज देखें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मसाज दे रहे हैं क्योंकि ये क्या करेगी हमारे स्किन पर जो भी डार्क प्रॉब्लम्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसको भी कम करने में हेल्प करती है। पर एक बार फेशियल से आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी या स्कार्स खत्म हो जाएंगे, ये धीरे धीरे उसको लाइट करती है, आपका टोन उभर के आता है। सो फेशियल एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, हमको रिलैक्स मिलता है इससे, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये तीव्र करता है, हमारे स्किन में चमक बढ़ती है और जो भी हमारे मतलब ब्लड हमारा जो सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो फ्लो हमारे जो भी टॉक्सिस होते हैं उनको रिमूव करता है, हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है और पोषक तत्व हमको मिलते हैं और जिससे हमारा फेस
अच्छा नज़र आता है। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं अभी हम पैक अप्लाई कर रहे हैं। सो पैक आपको आइस को एंड लिप्स को अवॉइड करते हुए पैक अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर हम फेशियल मसाज जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं इससे हमें फ़ायदे मिलते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। सो ये क्या होता है, हमारे मांसपेशियों को इससे आराम मिलता है, हमारे फेस का तनाव दूर होता है और क्लाइंट को काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है। स्किन केयर प्रोडक्ट हम जब अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमारे फेस की मसाज होती है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हमारे फेस में एब्जॉर्ब होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको फिर उस प्रोडक्ट का मिलता है। अगर देखिए फेशियल हम नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं, बट नियमित रूप से हम जो मॉइस्चराइज़र या क्रीम अप्लाई करते हैं वो हम कंटिन्यू अच्छे से लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपके फाइन लाइंस बनने लगती हैं वो कंट्रोल रहेगी, वो रुकेंगी और इससे आप एजिंग के लक्षणों को कम कर सकते हैं। फेस की जो मसाज होती है वो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को हेल्प देती है आराम के लिए, और इससे क्या होगा, इससे जो हमारे तनाव के कारण बहुत ज़्यादा लोग आजकल आपको पता है कितने स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो जो तनाव की जो लाइंस बन जाती हैं वो हमारे कम होंगे एंड रिंकल्स को भी कम करेगी। और देखिए डेली बेसिस पे जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आप अच्छे से अगर अपनी स्किन को प्रैप करके मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आपके जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी और जो भी डेड सेल्स हैं वो अच्छे से रिमूव होगी एंड आपकी स्किन चिकनी होगी, चमकदार होगी, फ्रेश नज़र आएगी, काफ़ी अच्छा ग्लो आपकी स्किन को मिलेगा। तो फेशियल आप देखिए एक उम्र के बाद आफ्टर 30 आपको हर मंथ फेशियल लेना चाहिए, इस ये एजिंग के साइन को कंट्रोल करता है। ओके तो यहाँ पर हमने पैक अप्लाई कर दिया है, ये पैक हमारी स्किन को बहुत ही ब्राइट बनाएगा और फेशियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि आफ्टर 30 आप वन टाइम फेशियल ले सकते हैं, और अगर आप अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपना रिजल्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए फेस पैक अप्लाई किया एंड इसको हमने वॉश किया है एंड फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्लाइंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरी क्लाइंट बहुत खुश हैं और यू कैन सी। सो आई होप वीडियो आपके लिए है।